दिल्ली से खबर, कांग्रेस चिंतन शिविर के लिए बनाई गई कमेटियों की बैठक, 15 जीआरजी में बैठक का आयोजन, मुकुल वासनिक, पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी, सलमान खुर्शीद इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, 15 जीआरजी में बैठक का आयोजन किया जा रहा है, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं इस बैठक में, मुकुल वासनिक, पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी, सलमान खुर्शीद मौजूद हैं। और विस्तार से इसी खबर पर जानकारी लेंगे, क्या कुछ बैठक में चल रहा है जानेंगे एवं संवाददाता ज्योति सिंह से, फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी ज्योति, 15 जीआरजी में ये जो बैठक चल रही है, सबसे पहले तो इस बैठक के मायने क्या है ये बताएं, क्योंकि ये चिंतन बैठक जो चल रही है ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है अपने आप में। जी बिल्कुल भारती, देखिए एक तरफ हम बात करें कांग्रेस की तो 15 जीआरजी में बैठक चल रही है क्योंकि चिंतन शिविर होने वाला है अगले महीने में, और ऐसे में शिविर में कौन कौन से मुद्दे होंगे उसे लेकर दिल्ली के 15 जीआरजी यानी कि कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक चल रही है। और देखिए पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से ये बैठक ली जा रही है, उनके नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। और देखिए कांग्रेस ने चिंतन शिविर के लिए 6 कमेटियों का गठन किया है, जिसमें राजनीति, सामाजिक न्याय एवं एम्पावरमेंट, अर्थव्यवस्था, संगठन और फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर, और वहीं यूथ एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो 6 कमेटियां बनाई गई है। और इस बैठक के अंदर इन 6 कमेटियों के कन्वेनर जो है, जो हेड है, वो इस बैठक के अंदर शामिल है। और वहीं राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल है। राजनीति मामलों की समिति के संयोजक वो इस बैठक के अंदर उनका रोल निभा रहे हैं। और वहीं देखिए कांग्रेस G23 के प्रमुख जो सदस्य हैं गुलाम नबी आजाद का भी नाम इस बैठक में शामिल है, लेकिन वो अभी तक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं को और कन्वेनर को जिम्मेदारी दी गई है कि अगले महीने जो चिंतन शिविर हो रहा है वो किन किन मुद्दों पर होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि 5 राज्यों में जो हार कांग्रेस को मिली है उस पर चिंतन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव पर भी इसमें चर्चा के मुद्दे होंगे, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं तो कांग्रेस को लेकर अभी इस वक्त जो बैठक चल रही है और उनके तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद जताई जा रही है भारती। जी ज्योति, जो मुद्दे आपने बताए उनमें सबसे बड़ा मुद्दा यही लगता है मुझे कि जो बीते समय में जो हमने देखा 5 राज्यों में जो करारी हार कांग्रेस को देखनी पड़ी है, उसको किस तरीके से अब आंका जाएगा, किस तरीके से वापस से पार्टी में नई जान फूंकी जाए, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले समय में। जो चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है कांग्रेस, इस बैठक में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। जी बिल्कुल भारती, देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर इस वक्त जारी है दिल्ली में, देखिए 10 जनपद से लेकर बल्कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनके घर पर भी बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस वॉर रूम में भी बैठक चल रही है। तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि 5 राज्यों में जो चुनावी हार कांग्रेस को मिली, और देखिए सिर्फ हार नहीं बल्कि करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। और ऐसे में गुजरात, हिमाचल प्रदेश के चुनाव सर पर है। अगले साल 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो अपनी सियासी जमीन खो चुकी है उसके किस तरीके से संभाले, सियासी जमीन किस तरीके से खोज सके, इसको लेकर तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो बैठक कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे होंगे और कौन किस तरीके से कांग्रेस को मजबूती के साथ वापस से खड़ा कर सके। और देखिए कहीं ना कहीं भारतीय अंतर कला भी कांग्रेस के सामने आती रही है वक्त वक्त पर। ऐसे में दो छोटे कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, उनके बीच का तालमेल को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आती आई है। तो देखिए इन तमाम मुद्दों को लेकर, छोटे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल को लेकर और कांग्रेस की मजबूती को लेकर, सियासी जमीन तलाशने को लेकर बार बार बैठकों का दौर जारी है। और एक बड़ी बैठक इस वक्त जिसमें 6 कमेटी के कन्वेनर बनाए गए हैं, सोनिया गांधी की तरफ से ये कमेटियां बनाई गई है, और वो कमेटियां डिसाइड करेंगी कि ये जो 6 कमेटियां हैं जिसमें यूथ एंड एम्पावरमेंट है, पॉलिटिकल है, सोशल है, और 3 और पार्टियों का जो है फार्मर्स एग्रीकल्चर जो कमेटी गठित की गई है उसे लेकर ये बैठक चल रही है, और इन्हीं से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चिंतन शिविर राजस्थान में किया जाएगा भारती। जी ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता ज्योति सिंह।
फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर पर अपडेट के लिए। उन्होंने विस्तार से हमें ये बताया कि 15 जीआरजी में ये बैठक चल रही है और ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में जो कांग्रेस की ओर से चिंतन शिविर का आयोजन किया जाने वाला है उसमें तमाम बड़े मुद्दों को लेकर ये बैठक